Welcome to my channel, Happy Commerce Hub, an interesting way of learning by Simran Agarwal. Clear your basics of commerce with me and also get updates about scholarship and news related to your examination. To get latest updates, subscribe my channel and press the bell icon and stay updated with me. हेलो हाय वेलकम अगेन, आई एम हियर विद माय न्यू वीडियो जिसमें हम बात करेंगे व्यवसाय जोखिम। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जो स्टूडेंट नए हैं जल्दी से नीचे देखकर सब्सक्राइब का बटन दबा दो और साथ में क्या है वहां पर एक बेल आइकन है वो भी प्रेस कर लो ताकि जो भी वीडियो आए सबसे पहले आप तक वो पहुँच जाए और आप अपने दोस्तों से थोड़ा सा आगे निकल जाओ। व्यवसाय जोखिम क्या होता है, ठीक है, इसकी प्रकृति कैसे होती है, ये किसकी वजह से व्यवसाय में होता है, इसकी हम बहुत अच्छे से बात करेंगे। जो स्टूडेंट नए हैं उनको मैं बता दूं कि मैं छोटी छोटी वीडियोस में यहाँ पर टॉपिक्स कवर करती हूँ ताकि बच्चों का भी इंटरेस्ट बना रहे और एक ही वीडियो में पढ़ने के कारण बच्चों पे बर्डन नहीं आए और किसी को कोई स्पेसिफिक पॉइंट अगर चैप्टर का ढूंढना है तो वो भी उसको आराम से मेरे चैनल पर अवेलेबल हो जाए। यहाँ पर एक प्लेलिस्ट है 11th NCERT और /RBSC BST कर वहाँ पर जाकर आप मेरे प्रीवियस वीडियोस चेक कर सकते हो, ठीक है। तो चैनल पर बने रहना और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करते रहना। स्टार्ट करते हैं व्यवसाय जोखिम। बेसिकली जोखिम क्या होता है, इंग्लिश वर्ड देखा जाए तो जोखिम यानी कि रिस्क। अपन नॉर्मल लाइफ में भी क्या बोलते हैं, यार रिस्क मत लियो, देख ऐसा करने से तुझे हो सकता है कि ये प्रॉब्लम हो जाए, ठीक है, देख पढ़ ले तू, रिस्क मत ले वरना तू फेल हो जाएगा, होता है ना लाइफ में अपन बोलते हैं नॉर्मली ऐसा। उसी चीज़ को क्या करें हम बिजनेस में लेकर जाएं, तो बिजनेस में क्या बोलते हैं, देख यार तू पैसा लगा तो रहा है, अगर तुझे प्रॉफिट नहीं हुआ तो फिर तुझे तो लॉस होगा, तेरे तो पैसा चला जाएगा, पैसा तो डूब जाएगा। ऐसा लोग किसी अक्सर जो नया बिजनेस करते हैं उन लोगों को डरा देते हैं, तो वही जोखिम होता है। जोखिम का शाब्दिक अर्थ है भविष्य में होने वाली हानि की संभावनाओं से, ठीक है। लाभ होगा तो वो तो जोखिम है नहीं ना, हमें तो किस चीज़ का जोखिम है कि यार हमें लॉस हो गया तो वो है जोखिम। तो वही चीज़ को हम यहाँ पर बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। व्यवसाय जोखिम से आशय अपर्याप्त लाभ या फिर हानि होने की उस संभावना से है जो नियंत्रण से बाहर अनिश्चितताओं या आकस्मिक घटनाओं के कारण होती है, यानी कि जो घटनाएं हमारे कंट्रोल में नहीं है उनकी वजह से अगर हमें लॉस होता है तो हम उसको बोलते हैं व्यवसाय जोखिम। उदाहरण के लिए किसी वस्तु विशेष की मांग में कमी, उपभोक्ताओं की रुचि या प्राथमिकताओं में परिवर्तन, या उसी प्रकार के उत्पाद बेचने वाले प्रतियोगी संस्थाओं में प्रतिस्पर्धा अधिक होने से लाभ में कमी, ये सब पॉइंट्स हैं जिनकी वजह से हमें जोखिम का क्या रहता है, होने की चांसेस रहती हैं। जो फॉर्म ऐसे कच्चे माल को उपयोग में ला रही है उन्हें से क्रय करने के लिए अधिक राशि का भुगतान करना पड़ता है और परिणाम तो क्या होता है, लागत मूल्य बढ़ जाते हैं, इस कारण लाभ में कमी आ जाती है। व्यवसाय को निश्चित रूप से दो प्रकार के जोखिम का सामना करना पड़ता है, अनिश्चितता और शुद्ध। यहाँ पर क्वेश्चन बन जाता है, देखो फर्स्ट क्वेश्चन तो है कि जोखिम से आप क्या समझते हैं, सेकंड क्वेश्चन बनता है जोखिम कितने प्रकार की होती है, तो जोखिम दो प्रकार की होती है, अनिश्चित और शुद्ध। अनिश्चित जोखिम में दोनों संभावना विद्यमान होती है कि लाभ भी हो सकता है और हानि भी हो सकती है, बट जो शुद्ध जोखिम होता है उसमें तो क्या होता है, केवल लाभ होने के चांसेस आपके होते हैं। संदिग्ध हानियां बाजार की दशा जिससे बाजार में मांग और पूर्ति में उतार चढ़ाव शामिल होता है तथा इस प्रकार मूल्यों में आए परिवर्तन से या ग्राहकों की रुचि फैशन में परिवर्तन होने के कारण होती है। यदि बाजार की दशा व्यवसाय के पक्ष में है तो आपको लाभ होगा और विपक्ष में है तो आपको हानि की संभावना बढ़ जाएगी। शुद्ध हानियों में या तो हानि होगी या फिर या अथवा हानि नहीं होगी। यहाँ पर शुद्ध हानि में केवल शुद्ध जोखिम में हम बात करते हैं केवल और केवल हानि के एस्पेक्ट में कि होगी तो या तो हानि होगी या हानि नहीं होगी, लेकिन जो हमारा ऊपर वाला था संदिग्ध वाला उस जोखिम में हम बात करते हैं हमें लाभ भी हो सकता है और हानि भी हो सकती है। आग लगना, चोरी होना या हड़ताल होना शुद्ध हानि के उदाहरण होते हैं, ठीक है। आग लगेगी तो ऑफकोर्स ही बात है हमें क्या होगा, नुकसान होगा, चोरी होगी तो भी नुकसान होगा। अब इसके बाद है आपका ये घटनाएं घटित होती है तो हानि होगी और इन घटनाओं के घटित न होने पर हानि नहीं होगी, ठीक है। तो यहाँ की शुद्ध हानि की अगर चोरी हो गई तो आपको लॉस होगा, और चोरी हुई नहीं, अगर वो घटना घटित हुई नहीं तो हमें लॉस होगा ही नहीं। अब आपके व्यवसाय जोखिम की प्रकृति इनका नेचर कैसा होता है, फर्स्ट व्यवसाय जोखिम अनिश्चितता के कारण होते हैं। अगर सब कुछ फिक्स होगा तो आप तो सब कुछ सेट करके बैठ जाओगे ना। अगर आपको पता होता लाइफ में कि यार जब हम 2020 में जाएंगे तो कोरोना आएगा तो पहले से आप लोग क्या करते हैं, अपना इम्यून सिस्टम बूस्ट करके रखते। जो हम दिन भर जंक फूड खाते हैं ना, समोसा कचौरी पिज्ज़ा बर्गर, इन सबको थोड़ा साइड में करके अपन क्या सोचते कि नहीं मम्मी आई हैव टू टेक मिल्क और मुझे च्यवनप्राश खाना है, ये सब हम करते हैं ना। पर ये तो क्या वो अनिश्चितता, अचानक से कोरोना आ गया, तो वही चीज़ है बिजनेस में भी कि अनिश्चितता से आशय भविष्य में होने वाली घटनाओं की अनभिज्ञता से है। प्राकृतिक आपदाएं यानी कि आपके भूकंप बाढ़ ये सब, मांग और मूल्य में परिवर्तन हो सकता है, गवर्नमेंट टैक्स बढ़ा दे, तकनीक में सुधार आदि ऐसे उदाहरण है जिनसे अनिश्चितता बनी रहती है। ये परिवर्तन व्यवसाय के लिए जोखिम के कारण हो सकते हैं, इन कारणों का पहले से ज्ञान आपको नहीं हो सकता। बदलते दौर परिवेश में आप कुछ नहीं सोच सकते कि क्या हो सकता है, अचानक से मान लो क्या हो गई, बाढ़ आ गई तो आपके पास क्या हुआ, लॉसेस हो गए, ये तो अनिश्चितता है। जोखिम प्रत्येक व्यवसाय का आवश्यक अंग होता है, ऐसा नहीं है कि
जो बिजनेस होते हैं वो सेफ जोन में चलते हैं? जी बिल्कुल नहीं, हर व्यवसाय के साथ जोखिम साथ में चलता है। अगर आप व्यवसाय कर रहे हो तो आपको मन में लेके चलना पड़ेगा कि हाँ यार मुझे भविष्य में लॉस भी हो सकता है, मुझे प्रॉफिट भी हो सकता है। आप उसको कम कर सकते हो बीमा वगैरह लेकर, अच्छी अपनी तरीके अपनाकर, अच्छे मैनेजर्स वगैरह रख के, लेकिन जोखिम को आप समाप्त नहीं कर सकते। जोखिम की मात्रा मुख्यतः व्यवसाय की प्रकृति और आकार पर निर्भर करती है। बोलते हैं ना कि यार जितना बड़ा रिस्क उतना बड़ा प्रॉफिट, तो वैसे जितना बड़ा आपका क्या होगा बिजनेस होगा, तो आपको जोखिम की मात्रा भी उतनी ही आपके लिए बढ़ जाएगी। व्यवसाय की प्रकृति तथा व्यवसाय का आकार ये मुख्य घटक है जो व्यवसाय में जोखिम की मात्रा का निर्धारण करते हैं। जो व्यवसाय फैशन की चीज़ों में लेन देन करते हैं उनमें जोखिम की मात्रा ज़्यादा होती है। उसी प्रकार बड़े स्तर, वृद्ध का मतलब होता है बड़ा, वृद्ध स्तरीय व्यवसाय में लघु स्तर की अपेक्षा जोखिम ज़्यादा होती है। फैशन में क्यों बोला गया है यहाँ पर, लोगों का पता नहीं चलता ना यार, पहले सलवार सूट गर्ल्स पहना करती थी और अब तो हर कोई जीन्स शॉर्ट्स ये सब कैरी करता है। ठीक है, वैसे ही बॉयज़ में भी पहले क्या होता था, नॉर्मल पैंट शर्ट्स ठीक है जेंट्स पहना करते थे, बट वो भी क्या करते हैं शॉर्ट्स कैपरी और ट्राउजर्स ये सब प्रीफर करते हैं। तो फैशन इंडस्ट्रीज में सबसे जल्दी चेंजेस आते हैं। जोखिम उठाने का प्रतिफल क्या होता है, लाभ होता है। ठीक है, हम बोलते हैं ना यार देख रिस्क तो है ही तेरी, अगर प्रॉफिट हुआ तो वो तो तेरा ही होगा ना, तो जोखिम नहीं हो, जोखिम नहीं तो लाभ नहीं, पुराना सिद्धांत। अगर आप रिस्क नहीं लोगे ना तो लाभ भी कमाने के चांसेस आपके बहुत कम हो जाते हैं, जो सभी प्रकार के व्यवसायों में लागू होता है। किसी व्यवसाय में अधिक जोखिम होने पर लाभ अधिक होने का अवसर होता है। कोई भी उद्यमी भविष्य में अधिक लाभ पाने की लालसा में ही अधिक जोखिम उठाता है। इस प्रकार क्या है आपका, जोखिम उठाने के बदले आपको क्या मिलता है, लाभ मिलता है। व्यवसाय जोखिमों के कारण, व्यवसाय में जोखिम किस किस कारण से होते हैं। पहला है प्राकृतिक कारण, तो इसको तो मुझे एक्सप्लेन करने की नीड ही नहीं है। बाढ़ आ गई, भूकंप आ गया, बिजली गिर गई, बारिश हो गई, अकाल आ गया, अब तो कोरोना आ गया। ठीक है, हमारा हम तो लिख सकते हैं अब तो कोरोना, इसमें कोने में लगा देना आप मेरी तरफ से, कोरोना आदि पर मनुष्य का लगभग नियंत्रण नहीं है, तो ये भी क्या है, प्राकृतिक कारण है। मानवीय कारण, मानवीय कारणों में कर्मचारियों की बेईमानी, लापरवाही, अज्ञानता को शामिल कर सकते हो। अब आपका मैनेजर ही क्या कर रहा है, चुपचाप पैसे चोरी कर रहा है, झूठे दस्तावेज दिखा रहा है, अंदर ही अंदर गबन कर रहा है। ठीक है, आपके जो कर्मचारी लगे हुए हैं वो अपने सच्चे मन से और लगन से क्या कर रहे हैं, काम नहीं कर रहे। जहां आपकी मशीनरी 100 यूनिट डेली प्रोडक्शन कर सकती है, आपकी मशीनरी से केवल कितना ही प्रोडक्शन हो रहा है, 70 यूनिट का, तो ये सब लॉसेस किसकी वजह से हो रहा है आपको, ये सब मानवीय कारणों की वजह से है। आर्थिक कारण, इन कारणों में माल की मांग में अनिश्चित, आपको पता नहीं होता और आपने बहुत सारा माल बना लिया, अब वो माल बिका ही नहीं, तो ये लॉस है। प्रतिस्पर्धा, हो सकता है आपके पास ही में कोई कॉम्पिटिटर आ गया, नया प्रतिस्पर्धी आ गया और वो आपसे सस्ती चीज़ें बेच रहा है, तो उसकी चीज़ें ज़्यादा बिक रही, आपकी कम बिक रही है। ग्राहकों से देय राशि, तकनीक में परिवर्तन, उत्पादन की विधि में परिवर्तन आदि को शामिल कर सकते हैं। आर्थिक कारण से आश्रय वो कारण होते हैं जो धन से संबंधित होते हैं। वित्तीय समस्याओं में ऋण पर ब्याज, ब्याज दर में वृद्धि, करों की भारी उगाही आदि भी इस प्रकार के कारणों की श्रेणी में आते हैं। अन्य कारण, ठीक है, जो उन सब ऊपर वाले कारणों में नहीं आए वो किस में आ जाएंगे, आपके अन्य कारणों में। इसमें आपके राजनीतिक उथल पुथल, मशीनों में खराबी, बॉयलर का फट जाना, मुद्रा विनिमय, ये सब कारण आते हैं आपके अन्य कारणों में। तो ये हो गए हमारे जोखिम की, बिजनेस में जोखिम होते हैं क्या, उनकी प्रकृति होती है और किन किन कारणों से जोखिम हो सकता है। तो यहाँ पर हमारे पास जो क्वेश्चन बनते हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं। इसके अलावा आप टेंशन मत लो, आराम से एक अच्छी सी वीडियो बनाएंगे जिसमें सारे क्वेश्चन आंसर इंक्लूड करेंगे अपन, पीछे के भी और चैप्टर के बीच के भी। वीडियो पसंद आया हो, समझ में आया हो तो क्या करना, लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, सब्सक्राइब करना। जब मेरे नोट्स बन जाएंगे तो मैं मेरी वीडियो में बता दूंगी। इसके अलावा आप मुझे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पर आप मुझसे अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स और बिजनेस स्टडीज़ किसी की भी प्रॉब्लम पूछ सकते हो। इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, इसी नाम से मिलूंगी, हैप्पी कॉमर्स हब, और अपना यही लोगो है वो वहाँ पर आपको एक ही बार में पहचान में आ जाएगा। तो वहाँ पर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे ईजिली आकर पूछ सकते हो। पढ़ते रहो और साथ में जुड़े रहो।